दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बदगुनिया प्लाट जिसकी साइज चारों साइजों की अलग अलग है। उसमें देखिए दोस्तों, मैंने कुछ चेंजेस किया है और उसको एक प्लाट को पूरा गुनिया में करके उसका मैप तैयार किया है। दोस्तों, इसका जो बैक साइज है, पीछे का जो हिस्सा है, वो 24 फुट और 6 इंची का है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो पश्चिम का जो एरिया है, इधर 16 फीट का रास्ता है इस प्लाट के पश्चिम के एरिया में, ये 16 फीट का रास्ता है। इस पे हमने जो दरवाज़ा दे रखा है, ये डोर निकाल रखा है, ये 38 फीट और 9 इंच है। और दोस्तों, पूर्व दिशा में इसमें अपना ये देखिए 34 फीट और 3 इंच साइज है इसका। और जो दक्षिण दिशा है, वहाँ पर भी इसका 16 फीट का रास्ता है। और इसका साइज गुनिया में निकालने के बाद वही 24 फीट और 6 इंची का होगा। तो दोस्तों, चलिए आपको आगे वीडियो हर चीज़ बताता हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैंने दो रूम पीछे की तरफ डाल रखे हैं, क्योंकि ये जितना स्मॉल एरिया का प्लान है, स्मॉल साइज़ का प्लान है, उस हिसाब से इसमें दो रूम और एक सिटिंग रूम, तीन ही रूम आ सकते थे। तो देखिए दोस्तों, ये एक रूम है, वह 13 फीट 11 फीट और 7.5 इंच × 11 फीट 10.5 इंच का एक रूम हो गया। तो दोस्तों, ये दूसरा रूम देखिए 10 फीट 9 इंच × 11 फीट 7.5 इंच का है। उसके बाद दोनों रूम का जो डोर है, वो लॉबी के अंदर ओपन हो रहा है। इसमें इस तरफ में अपना एक 16 फीट का रोड होने के कारण विंडो अपन ने बाहर निकाली है, तो इसमें वेंटिलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अंदर ए वाला रूम है, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट इसमें अपने लॉबी के अंदर जो अपना चौक होता है घर का, उसके अंदर विंडो वेंटिलेशन निकाली है। उसके बाद दोस्तों, अपना जो ये अपना आग्नेय कोण होता है, जहाँ पर हम किचन देते हैं, तो उसी कोण में अपना किचन है, जिसका साइज 6 फीट 1.5 इंच × 11 फीट 1.5 इंच का रहेगा। जो आग्नेय कोण में सबसे उत्तम कोण है ये अपना किचन के लिए, वहीं पे अपन ने अपना किचन डाला है। एक अपना सिटिंग रूम आ गया, जहाँ पर गेस्ट रूम बोले, सिटिंग रूम हो गया, गेस्ट रूम, जो भी कुछ आप अपनी भाषा में बोलना बोल सकते हो। तो उसका एक डोर तो अपना लॉबी के अंदर है, जो एंट्री गेट है उसके पास में, वो एक गेट है वो मेन गेट के पास में, जो भी अपना कोई मेहमान आए तो सीधा सिटिंग रूम में प्रवेश करके यहाँ पे उनकी मेहमान नवाजी हो सके। उसके बाद अपना ये गैराज डाला है, इसके नीचे पानी का टैंक बनेगा और इसके नीचे कार पार्किंग होगी। तो यही अपना स्टेयर रहेगा यहीं पर ही, जो कि बाएं हाथ से ऊपर की तरफ चढ़ रही है अपनी सीढ़ियाँ, और उसी के फ्रंट पे लैट बात डाल रखा है। तो देखिए दोस्तों, आगे का देखिए, इसमें थोड़ा लुकिंग भी हो गया, बस इसमें थोड़ा जगह को अपन ने अपना जो जगह है 1 फीट 8 इंच, ये यहाँ से अपन को थोड़ा छोड़ना पड़ा है। यहाँ पे कुछ गमले वगैरह आ जाएंगे, कुछ भी रखा जा सकता है, पर ये मकान अपना दुनिया में हो चुका है। तो दोस्तों, आगामी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। ये देखिए दोस्तों, ये अपना क्लाइंट है मुकेश सोकरीवाल, इसकी जो ये लैंड है वो यहीं पर है दौसा डिस्ट्रिक्ट में। तो आप अगर मैप बनवाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करें, 9462404484। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।